हेलो भाई लोग, बेल लोग, साइकिल के चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम आए थे कटरा। कटरा पे हमने होटल बुक कराई थी, साई सुदर्शन करके होटल है। तो फिर एक नाइट हमने यहाँ पे स्टे किया। अभी हम जा रहे हैं नीचे चेक आउट करने के लिए। तो आगे का प्रोग्राम क्या रहता है आप देखते जाइए, और अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग नहीं देखे तो वो व्लॉग देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। तो चलो चलते हैं बाहर। सब बैग बैग सब बाहर ले लिया है। मैं मेरा हाथ का मोजा, कानपट्टी और ये जैकेट सब ले लिया है। और यहाँ पे सब लोग बाहर हमारा ही वेट कर रहे हैं। यार रॉनी वाइट हो, देखो अल्टा बेन पार्टी। अल्टा बेन पार्टी ना यार। चला मंडली, चला नीचे हबीब भाई आ ही गया। हबीब भाई होटल मालिक के भूसे सब एक बार देख लो, कोई कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए। आ गए गाइस नीचे, ये रहा अपना सामान, और वहाँ पे चल रहा है रोनी भाई और मानसी भाभी का फोटो शूट। ये है हमारी कार जो कि हमें यहाँ पे घुमाने वाली है पूरे 10 दिन आई थिंक। हाँ पूरे 10 दिन आई थिंक तो घुमाने वाली है। सब लोग अभी बाहर भी आ चुके हैं, सब लोग बैठ गए, मैं भी बैठ जाता हूँ अंदर। बहुत सारे फ़ोटो खींचा है। Hello. तो सब लोग पीछे बैठ गए, रोनी भाई और वेदांत लाल पीछे है। ये पीछे लाल कपड़ा पहन के इसलिए बैठा हूँ क्योंकि पीछे से गाय दौड़ेगी तो गाड़ी और ज्यादा तेज। गणपति बप्पा मोरया, वैष्णो देवी माता की जय। लेट्स स्टार्ट जर्नी। आज हम जाने वाले हैं, किधर जाने वाले हैं आज? पटनी टॉप। फर्स्ट डे हमारा पटनी टॉप में है। पटनी टॉप से जाएंगे फिर श्रीनगर। गाइस यहाँ से करीब 2 घंटे का रास्ता है पटनी टॉप का। वैसे कितना है यहाँ से? लगभग 100 किलोमीटर समथिंग है। तो गाइस रास्ते थोड़े आड़े टेढ़े सापोड़िया जैसे आने स्टार्ट हो गए, और मैंने बंदर और मैंने गूगल्स भी बदल दिए। भाई लोग, बेल लोग और साइकिल के चैन लोग, यहाँ पे हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक चाय नाश्ते के लिए। हमने सुबह से कोई चाय नाश्ता नहीं किया था, सो इसलिए हमने यहाँ पे छोटा सा ब्रेक किया है। और एक क्या बोलते हैं, बैड न्यूज़ ये है कि ऊपर बर्फ़ बहुत कम है। ये ड्राइवर अंकल से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि बर्फ़ गिरी ही नहीं है इस बार, इसीलिए कम है। पहले गिरी थी लेकिन बहुत कम है। पीयू को तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ मैं तो सब कुछ लेता हूँ, हमें हसन टाइम मुँह में ढूंढा नहीं करे। सिगरेट पी वहाँ करे हम इधर चाय पी रहे, ठंड बहुत ज़्यादा है, चाय में मज़ा नहीं आ रहा है। चाय में मज़ा नहीं आ रहा है ये ना जो मैंने कश्मीर नीट भाषा मत रोनी भाई नहीं हमें दिया करते थे। हाँ ये तो नाक पकड़ के खड़ी है। नाक में से सैमरा निकलता है। डगरी पर छालक बन रहा है, रज्जू निकल जाए। दुकान खोल दो। देखा भाई। घर का नाश्ता भी यहाँ पे निकाल दिया है। कागरे पे अभी बहस चल रहा है यहाँ पे। क्या बोल रहे हो आप? कौवा फेयर एंड लवली लगाता है। यहाँ पे सबने मस्त चाय नाश्ता थोड़ा किया है, ज्यादा नहीं किया, हल्का हल्का ही किया है। क्या है फिर उल्लाल्ला का प्रॉब्लम है ना, इसीलिए। तो गाइस प्लान में थोड़ा चेंज आया है। देखो अभी पटनी टॉप में बर्फ नहीं है, तो क्या है हम पहले यहाँ से कटरा से सीधा श्रीनगर चले जाते हैं, फिर बाद में पटनी टॉप करेंगे। आमरा खा रहा हूँ ताकि उल्लाल्ला थोड़ा कम हो जाए। अच्छा ये वैष्णो देवी है पूरा पहाड़ पूरा वैष्णो देवी? हाँ माता का मंदिर है, उसको बोलते हैं हाथी मथा। वो साइड उस साइड में वो है ना इस तरह गोल जैसा, वो बीच में इसको बोलते हैं हाथी मथा। अच्छा हाथी मथा। पाटी टॉप से ज्यादा हो जाता 50 किलोमीटर। नीचे से जो जवारी टनल बन गए ना उससे 50 किलोमीटर बच जाता है। अभी यहाँ से सीधा 200-250 किलोमीटर है श्रीनगर,
अभी हम वहां पहुंच गए जहां पे कश्मीर का 9 किलोमीटर वाला जो टनल है वहां पे। आगे से अभी टनल स्टार्ट हो रहा है, आगे इतना ट्रैफिक है, संडे है इसीलिए। हमारे यहाँ संडे सुबह में डुमस के और बहुत ट्रैफिक रहता है, सब लोग या वो क्या बोलते हैं वो सब बोलते हैं खाने के लिए निकलते हैं ना, बटाका का वड़ा, बटाका पूरी और टमाटा, वो सब टमाटा का पूरी वो सब खाने निकलते हैं। हाँ भजिया 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 खाने के लिए निकलते हैं सुबह सुबह। हाँ बस वही 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 फाफड़ा जलेबी। चेनानी नसरी टनल वे लिमिटेड, ये स्टार्ट हो गई टनल। ओ वाव सुपर यार, ये 9 किलोमीटर की है ना। फाइनली गाइस बाहर आ ही गए, धीरे धीरे बाहर आए, बहुत टाइम लगा। बहुत डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे, तो मतलब जहाँ पे भी नजर जाएगी ना तो कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। यह है खूनी नाला। ये रोड पे पहले बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, ना जाने कितने लोग मर गए यहाँ पे। हादसे की वजह सिर्फ एक ही होती थी कि ऊपर पहाड़ से सब पत्थर वगैरह गिरते थे, ऐसे पत्थर आते थे, इसको जाल लगी थी। अच्छा, यह है खूनी नाला ब्रिज। कौन है वो बेचारा? रॉनी भाई। रॉनी भाई ना फेस जरा फोकस करो गाइस। रॉनी भाई ना इतना वो क्या बोलते हैं, उनको कपिल शर्मा में होना चाहिए था, मेरे को तो ऐसा लगता है। अभी उनको ऐसा ख्याल आया यहाँ पे कि सब लोग बाल दाढ़ी कराने किधर जाते होंगे। वो भाई गरज करता है भाई, काका ने दमन ले जाओ आज। काका आप कभी दमन आए हो? हाँ जी दमन आए हो, दमन 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 दमन। हाँ ये क्या है? अच्छा अच्छा। हाँ सूरत, सूरत के लोग ना, सूरत के लोग जो उनको पीना होता है ना वो लोग दमन जाते हैं पीने के लिए। वो क्या बार, 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 हाँ मामा का घर बोलते हैं दमन को। रॉनी भाई की एक ट्रिप होती है डर संडे दमन। रॉनी भाई का खाली कोटो YouTube में बटन करना को टमाटर। रॉनी भाई ने फोन आवा भाई, तू हमने नहीं भेजा था डर रही भाई चाहे तो। मैं यार जस्ट जोकिंग, कुछ नहीं, डू नॉट टेक सीरियसली, जस्ट जोकिंग। हम तो रोपा पीते हैं और भी नींबू नीचे के तो रोपा पीते हैं, उससे क्या पोत्री भांग के बाहर आ जाती है। रॉनी भाई को यहाँ पे परोर का साग खाना है, फिर क्या खाना है रॉनी भाई? भिंडा खाना है, टिंडा टिंडा खाना है, रटारा का पूरी खाना है, रूसी काका की बेल। रटारा क्या होता है? ये रटारा क्या होता है? वो जमीन के अंदर होता है, जमीन के अंदर से निकलता है वो, उसकी खेती होती है। पर होता क्या है वो ना, जमीन के अंदर गाज भी निकलता है, मूली भी निकलता है। नहीं नहीं ये रटारा सब्जी है, एक वो जो आलू रहता है ना आलू, वो पल पल कलर का आलू रहता है। अच्छा वाह, इधर भी आता है वो, इधर भी आता है आलू का पापा, आलू का पापा रटारा। आलू की मम्मी प्याज सूरन सक्कर भाई रटारा ने इंग्लिश में पेलू के हूँ कई रठाला रठाला। जैसे ही रटारा को रट्ठा ला।
A few hours later. चलो गाइस, दोपहर के 12 बज गए और खाना खजाने के लिए रुके हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी यहाँ पे, सब लोग मेरे मेरे बाहर निकल रहे हैं। ये रेड कलर के सियासन पे सब लोग विराजमान हो गए, बाकी रह गए हैं मानसी भाभी और रोनी भाई। रोनी भाई टॉप मार माउंटेन ड्यू घर के आगे जीत है। रोनी भाई पूछ रहे हैं कि ये फ्रिज का यहाँ पे क्या काम कर रहा होगा, क्या बोले आप फिर आंसर में? ओसी का इस कार में तो ठंडी नहीं लग रही थी, लेकिन बाहर आए तो पता चला कि इतनी ठंडी लग रही है। हाँ, ये नॉर्मल वाली ब्लू फ्रिज बिना है, लेकिन इतनी ठंडी है कि डांट मत। माउंटेन ड्यू जैसे क्या वर्गोरा नहीं निकल जाओगे। फिर उसे एरवानी पे टॉप है ना, ठंडी लगे अंदर। मस्त गर्मा गर्म राजमा चावल मंगवाया है, देखते हैं टेस्ट में कैसा है। मस्त है ये, पहाड़ी खाना बोल रहे हैं, पहाड़ी खाना ये टाइप का है, राजमा चावल मजा आ गया। थोड़ा जमनवार टाइप नाश्ता कर लिया है क्योंकि बहुत अभी नहीं खाना खाया, फिर क्या है उल्लल्ला उल्लल्ला हो जाएगा। वैसे मेरे को तो प्रॉब्लम है, दवाई भी ले ली है, फिर भी थोड़ा ही जमा है हमने। और रोनी भाई को बोला मैंने कि माउंटेन ड्यू ले लो, क्योंकि यहाँ पे डर के आगे जीत है भाई, ठंडू नहीं लगा रो, डर के आगे जीत है यहाँ पे। बैठ गए कार में, मैं पीछे बैठा हूँ, अभी वीरेंद्र लाल आगे कार चलाने वाला है। मैं कंडक्टर हूँ भाई, कंडक्टर है वीरेंद्र लाल, और मैं आ गया हूँ रोनी लाल के साथ। रोनी भाई बोल रहे कि हम पाकिस्तान अभी जा रहे बॉर्डर क्रॉस थी गई तो और एक टनल स्टार्ट होगी जो कि सबसे लंबी है 11 किलोमीटर की। गाइस ये एशिया की सबसे बड़ी टनल 11 किलोमीटर की टनल स्टार्ट हो गई है। वीरन के पोकना वाला नु कैटो नदी काका ने तो वीरन लाल पोकना वाला नु इमिटेशन टापो काका ने, पक्का वड़ा मिलता है वहां पे, और अड़ा जन का पुल नीचे उतरते वहां पे मिलता है। फाइनली गाइस टनल खत्म होने वाली है, जल्दी पड़ी है सबसे बड़ी टनल। एक्चुअली ना वो टनल में ट्रैफिक बहुत था इसीलिए नहीं, यहाँ के रोड भी मतलब अच्छे है, इतने भी बुरे नहीं है। सूरत में तो क्या है, थोड़ा जाएंगे तो गड्ढा मिलेगा, ब्रेक मारना पड़ेगा। चंद्र पर रह रहे हैं तो चंद्रयान पे रह रहे हैं चंद्रयान पे रह रहे ऐसा भी लग रहा है हमें। सामने एलईडी स्क्रीन रखा हो ना, ऐसा ही लगता है दूर से देखे तो। चलो पिक्चर पटेगी हो। अभी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ पे पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। यहाँ पे तो ठहर ठहर चप्पे चप्पे पे हमारे आर्मी जवान खड़े हुए हैं। ये वही पुल है जहाँ पे आतंकवादी ने हमला किया था, यही रास्ता यही जगह है। आर्मी वाले देखो सब चेक कर रहे हैं यहाँ पे, सबको चेक कर रहे हैं। और सज्जन यहाँ पे सारे केसर के खेत है पुलवामा में। फाइनली गाइस वी रीच एट श्रीनगर, हम श्रीनगर पहुंच गए हैं और सामने है ये कौन सा लेक है, डाल लेक, डाल लेक है, और ये हमारा होटल है और एग्जिट उसके सामने है ये डाल लेक। इसको इसको सूरती भाषा में बोले तो घोलवार की गटर। डू नॉट टेक सीरियसली गाइस, इसमें हमको आज शाम को जाना है, इसको इधर घूमने के लिए शाम को जाना है। वो आगे आगे ब्लॉग में देख लेना, ये ब्लॉग में लूंगा या आई डोंट नो, क्योंकि मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या डालूं, क्या डालूं क्या कट करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये है हमारी होटल, वेलकम टू रॉयल हमीट। डम्मन 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 भैया हमें मिले हैं, आप क्या बना रहे हो? कावा कितने का एक प्लेट?